दोस्तों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस सिर्फ सत्ता के लिए भूखी है और इसके लिए वह मणिपुर तो क्या बल्कि पूरे देश को जलाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस के लीडर्स और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के लिए क्या कर रहे हैं, वे मणिपुर के बारे में कुछ बोलना क्यों नहीं चाहते। ऐसा इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है, वो जानते हैं कि उनकी विचारधारा ने ही मणिपुर को जलाया है। दोस्तों और क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, आप भी सुनिए उनकी ये वायरल वीडियो। देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है, एक तरफ आरएसएस बीजेपी की विचारधारा और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा। पार्टियां बहुत है, विपक्ष में पार्टियां हैं, मगर विचारधारा की जो लड़ाई होनी है वो बीजेपी और आरएसएस और कांग्रेस की विचारधारा के बीच में लड़ाई होनी है। कांग्रेस की विचारधारा, कॉन्स्टिट्यूशन की विचारधारा, देश को जोड़ने की विचारधारा, सबको एक साथ लेने की विचारधारा, जो हमारा अनइक्वल सोशल सिस्टम है, उसके खिलाफ लड़ने की विचारधारा कांग्रेस की है। आरएसएस और बीजेपी चाहते हैं कि चुने हुए लोग इस देश को चलाएं, पूरा का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथों में हो, सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस उन्हीं लोगों के कंट्रोल में रहे, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो आर्मी हो, इलेक्शन कमीशन हो, स्कूल्स और कॉलेजेस हो। आरएसएस चाहती है कि ये सारे के सारे उन्हीं के कंट्रोल में रहे। हम चाहते हैं ये जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो हमारा देश है, ये सबका है, हर जात का है, हर धर्म का है, और सब लोगों को इस देश में रक्षा मिलनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, भाईचारा होनी चाहिए। ये लड़ाई